हे गाइस, दिस इज मनीषा यादव। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का लेक्चर है, वो रिगार्डिंग टू है विंड लोड एनालिसिस और विंड लोड कैलकुलेशन मैन्युअली। कि अगर मुझे विंड लोड निकालना है तो वो किस तरीके से निकालेंगे मैन्युअली, तो वो मैं आज आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। सी वाली हूँ। सी, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया हुआ है, तो जो जो बिल्डिंग कोड हमारा यूज होता है, जो आईएस कोड हमारा यूज होता है विंड लोड के कैलकुलेशन के लिए, वो होता है IS 875 Part 3 1987, राइट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के जो भी हमारा, जैसे जो भी सरफेस जो है हमारा एक्सपोज होगा विंड की तरफ, तो वो सारा कुछ लोड जो है उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो जो भी लोड उसके ऊपर अप्लाई होगा वो हम लोग आज यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो द विंड लोड आर एक्टिंग ऑन द एक्सपोज सरफेस ऑफ गिवन स्टोरी एज एडलाइज्ड टू बी सपोर्टेड बाय अपर टू लोअर फ्लोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि विंड लोड जो है वो यहाँ पे विंड प्रेशर्स मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टेड एरिया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा विंड फोर्सेस, ठीक है। तो हमें विंड, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे डिजाइन विंड स्पीड के बेसिस पे यहाँ पे एक इक्वेशन गिवन है, जिसके थ्रू हमें डिजाइन विंड वेलोसिटी जो है वो मिलेगी। तो VZ इज इक्वल टू VB इंटू K2 इंटू K2 K1 इंटू K2 इंटू K3, ठीक है। तो यहाँ पे VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड है उस पर्टिकुलर रीजन की, उन पर्टिकुलर सिटीज की जहाँ पे आप अपना स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं। तो जो आपको मिलेगा, ये जो बेसिक विंड स्पीड है, इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी, ये मिलेगी आपको अपेंडिक्स ए से IS 875 Part 3 के अंदर, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि जो जैसे हमारी जो कंट्री है वो डिवाइडेड है 6 जोन्स के अंदर, विंड विंड जो आपकी स्पीड है उसके बेसिस के ऊपर, जो 33 to 55 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, राइट। तो अभी क्या है कि जैसे यहाँ पे जो अपेंडिक्स ए है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज है उनका नाम है, उनके बेसिस पे इन सब की विंड स्पीड आपको गिवन है, राइट। जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली की जो वहां पे जो विंड स्पीड, जो आपकी बेसिक विंड स्पीड जो पिक की हुई है, वो की हुई है 4 7 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो अगर मैं दिल्ली का एनालिसिस कर रही हूँ, तो मैं 4 7, जो वीवी की वैल्यू है वो 4 7 मीटर पर सेकेंड पिक करूंगी। फिर उसके बाद आपकी आती है K1 की वैल्यू। K1 क्या है आपका, रिस्क कॉफिशियंट। रिस्क कॉफिशियंट के अंदर जो जो हमारा वैल्यू जो हमें पिक करनी पड़ती है, वो होती है टेबल नंबर 1 के अंदर आपकी। अब यहाँ पे टेबल नंबर 1 क्या है, रिस्क कॉफिशियंट है। ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के क्लास ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं जनरल बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जिसकी जो लाइफ पीरियड है, जो लाइफ टाइम है, वो क्या है 50 इयर्स का, तो यहाँ पे जो K1 की वैल्यू मैं एज बेसिस ऑफ विंड स्पीड के ऊपर, जैसे 47 है, तो 47 के ऊपर क्या लूंगी रिस्क कॉफिशियंट, अगर मैं जनरल बिल्डिंग डिजाइन करूँ तो 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टेम्परेरी शेड्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पे अगर 47 है तो क्या होगी विंड स्पीड, 0.71, राइट। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बिल्डिंग जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे जैसे लो डिग्री ऑफ हजार्ड टू द लाइफ मैं यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ, फार्म्स बिल्डिंग जो है यहाँ पे डिजाइन कर रही हूँ वुडेड एरियाज के अंदर, तो वो क्या होगा आपका, यहाँ पे अगर मैं 47 के ऊपर ले तो 0.9, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, पावर प्लांट्स हो गए, ये अगर मैं डिजाइन कर रही हूँ, तो उसकी जो लाइफ टाइम है वो 100 इयर्स का होता है। तो यहाँ पे जो आपका रिस्क कॉफिशियंट है, जो फैक्टर है, वो आपका क्या हो जाएगा, 47 को 1.07, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे रिस्क कॉफिशियंट पिक करेंगे। अब हमारे पास में VB हो गया, K1 हो गया, K2 की वैल्यू निकालते हैं अभी। K2 हमारा यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे टैरन फैक्टर, टैरन टैरन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर, इसे हम टैरन फैक्टर भी कहते हैं, जैसे इसमें इसकी लाइफ टाइम यहाँ पे दे रखी है,
अब नीचे जैसे हम ये टैरन फैक्टर जो है ये किसके ऊपर, जैसे क्लास और द साइज ऑफ द स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या है यहाँ पे, ये कैटेगरीज होती है इसके अंदर मल्टीपल K2 के अंदर, कि कैटेगरी नंबर वन में क्या होता है कि जहां पे आपकी बिल्डिंग बन रही है वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है आसपास में, जैसे सी कोस्ट एरिया के ऊपर बन रही है, फ्लैट ट्रीलेस प्लेन्स के ऊपर बन रही है, तो जहां पे आपकी मतलब वेयर अदर जो स्ट्रक्चर्स है उनकी हाइट क्या है, लेस देन 1.5 मीटर्स है, तो वहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो आप कैटेगरी नंबर वन पिक करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ओपन टेरेन विद स्कैटर्ड ऑब्जेक्शन, मतलब जहां पे ऑब्स्ट्रक्शन जो आसपास की जो बिल्डिंग्स है, जो आपकी फर्दर जो चीजें हैं वहां पे, तो वहां पे अगर कोई बिल्डिंग है तो वहां पे जो उन बिल्डिंग्स की हाइट है 1.5 से लेकर 10 मीटर्स के बीच में आती है, तो वो आपका क्या क्या हो जाता है, कैटेगरी नंबर टू। एग्जाम्पल के लिए जैसे इंडस्ट्रियल एरिया हो गया। इसी तरीके से अगर कैटेगरी नंबर थ्री वाला एरिया आपके पास में, जैसे क्लोज स्पेस स्ट्रक्चर्स है ना, तो वहां पे क्या होता है, जैसे हमारी सिटीज होती है वहां पे 10 मीटर से ऊपर भी बिल्डिंग हो जाती है, 10 मीटर से थोड़ा कम भी होती है, आसपास के एरिया में काफी ज्यादा क्राउडेड रहता है, तो वो क्या हो गया आपका कैटेगरी नंबर थ्री। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे जो थोड़ा बहुत स्कैटर थोड़ा बहुत क्राउड है हमारे एरिया में, ओपन टेरेन है विद स्कैटर्ड ऑब्जेक्शन 1.5 से लेकर 10 मीटर के बीच की हाइट का हमारे पास में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, कैटेगरी नंबर टू। इसी तरीके से अगर कैटेगरी नंबर फोर में आए तो रेफर्स टू द एरिया विद हाईली क्लोज बिल्डिंग इन द लार्ज हाइट डेंसिटी एरियाज हो गए, जैसे वो आपका यहाँ पे क्या हो गया आपका कैटेगरी नंबर फोर। तो ये तो आपका एक तो कैटेगरीज के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर किस तरीके का आपका एरिया है वहां पे। दूसरा K2 ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग अंडर कंसिडरेशन, डायमेंशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, लाइक आपकी जो बिल्डिंग है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट होती है, ठीक है। तो अगर आपकी मैक्सिमम ऑफ लेंथ विड्थ और हाइट इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा है अगर वो लेस देन 20 है तो आपकी क्लास ए कैटेगरी होगी। अगर इन तीनों में से जो भी सबसे ज्यादा है वो या तो 20 से लेकर 50 मीटर तक की हाइट के बीच में है, तो आपका क्या होगा, क्लास बी होगी। यहाँ पे आपकी जैसे मैक्सिमम लेंथ विड्थ और हाइट में जो भी ज्यादा है अगर वो ग्रेटर देन है 50 से, तो क्लास सी होगी, ठीक है। तो इन तीनों में से जो भी, लाइक मेरे पास में लेंथ जो है वो भी 12 मीटर है, विड्थ जो है वो भी 12 मीटर है, और हाइट है वो 15 मीटर है, ठीक है, तो ये क्या है, ये लेस देन क्या हो गया, 20 मीटर हो गया, तो हमारी कौन सी क्लास आ गई, क्लास ए आ गई, ठीक है। टेरेन कैटेगरी मैंने चूज की हुई है कि भाई मेरा एरिया तो कैटेगरी नंबर टू है, और कौन सी क्लास है, क्लास ए है, तो टेरेन कैटेगरी नंबर टू क्लास ए, और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की हाइट क्या है, 15, तो क्या आ गया आपका K2 की वैल्यू, आपके आगे 1.05, क्लियर है, तो ये आपका K2 निकल आया। फिर उसके बाद आता है कैटेगरी सॉरी K3, यहाँ पे आता है टोपोग्राफी फैक्टर, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, क्लॉज नंबर IS 875 Part 3 के अंदर, क्लॉज नंबर 5.3.3.1 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये, जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो यहाँ पे आ जाएगा 5.3.3 में, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे स्लोप है, टॉपोग्राफी फैक्टर के बारे में बताया गया है, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई आपका अगर स्लोप अपवर्ड जो ग्राउंड स्लोप है वो 0 से less than या इज इक्वल टू 3 डिग्री है, तो आप K3 की वैल्यू क्या पिक करेंगे, 1 करेंगे। और अगर आपका स्लोप ज्यादा है, 3 डिग्री से ज्यादा है, तो आप K3 की वैल्यू क्या पिक करेंगे, 1 से लेके 1.36 के बीच में लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारा स्लोप ज्यादा नहीं है, हमारा मतलब हिली रीजन नहीं है, तो हमारा क्या है, यहाँ पे K3 की वैल्यू मैंने 1 पिक कर ली, तो हमारा क्या निकला है, K1 K2 K3 हो गया, तीनों को मल्टीप्लाई करके VB से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकलेगा यहाँ पे, VZ की वैल्यू निकल गई है, तो अब यहाँ पे आता आपका डिजाइन विंड प्रेशर, PZ की वैल्यू, PZ अगर मैं 0.6 से VZ के स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्या निकल आएगा, विंड प्रेशर निकल आएगा, क्लियर है। विंड प्रेशर निकलने के बाद में आपको यहाँ पे सीधा सीधा अप्लाई करना है आपकी स्टार्ट प्रो के अंदर, क्लियर। आगे बहुत सारी मल्टीपल जैसे कैलकुलेशन है इसमें, फिर आपको फोर्सेस वगैरह भी निकालने पड़ते हैं, बट क्या है कि मेरे पास में विंड प्रेशर जैसे यहाँ पे जो फाइंड आउट हो गया है, उसके बाद जैसे हमारे पास में क्या होता है, क्या निकल के आया हमारे पास में, PZ, इसको हम PD भी कहते हैं, तो यहाँ पे देखो PD रहा,
ये AE क्या है? AE है आपका एरिया, जो आपका पर्टिकुलर जिस एरिया के ऊपर आप जो आपका जहां पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उसका एरिया है ये, ठीक है। और CF आपका यहाँ पे आता है एक तरीके से फैक्टर, ठीक है, एक्सपोजर फैक्टर। तो एक्सपोजर फैक्टर आप यहाँ पे पिक कर सकते हैं, और CF की वैल्यू कहाँ से निकल गया आएगी, ये रहा फोर्स कोफिशियंट। ये फिगर नंबर 4.8 यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप यहाँ पे निकाल सकते हैं ए और बी आपका, जैसे अगर ये प्लान है तो ए आपकी ये विड्थ है, और सॉरी इस तरीके से लेंथ है और बी आपकी विड्थ है। इसी तरीके से अगर मैं एलिवेशन वाइज देखती हूँ तो ए आपकी ये ऐसे लेंथ हो गई एंड देन दिस वन इज हाइट। इन दोनों के रेशियो के ऊपर अगर ग्रेटर देन वन है, अगर इन दोनों का रेशियो जैसे ए डिवाइडेड बाई बी और एच बाई बी इज ग्रेटर देन वन, तो आप यहां से सी एफ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए बी मान लीजिए मेरा 0.4 आया, ठीक है, 0.4 कहाँ लाई करेगा, यहाँ करेगा, ठीक है। और आपका क्या है, एच बाई बी क्या आया, एग्जाम्पल के लिए मेरे पास में वन आया, ठीक है, तो मेरा कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे जाके जब मेरा 0.5 यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आपकी वन वाली लाइन है, तो यहाँ पे मेरा हिट करेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जो फैक्टर 1.1 के आसपास आएगा। तो सी एफ मेरा क्या आ गया, 1.1। सी एफ 1.1 है, एरिया मेरे पास में है, विंड प्रेशर मैंने निकाल दिया तो फोर्स निकल आएगा, विंड फोर्स, क्लियर है। विंड फोर्स निकलने के बाद में अब आपको जाना है स्टैट प्रो के ऊपर। स्टैट प्रो के अंदर आपको जाना है क्या, यहाँ पे डेफिनेशंस के अंदर, विंड डेफिनेशंस यहाँ पे मेरे को ऐड करना है, और फिर इसके बाद मैंने क्लोज किया, सेलेक्ट करके मैंने इसके अंदर ऐड किया। तो डिफरेंट टाइप्स के मैं यहाँ पे देखती हूँ, सारे वही वही कैटेगरीज हैं, ठीक है, वही आपका यहाँ पे डेटा है, कोड का कोड है, कोड ईयर है, यहाँ पे विंड स्पीड है, एक्सपोजर इफेक्ट आपका ए बी सी डी है, यहाँ पे बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, कौन से बिल्डिंग आप बनाने वाले हैं, यहाँ पे आपको बिल्डिंग की हाइट है मीटर्स के अंदर, मीटर्स के अंदर देनी है, यहाँ पे विड्थ है, यहाँ पे आपकी हाइट है, ठीक है, ये सॉरी ये हाइट है, ये लेंथ है, ये विड्थ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग रेशो 5% लेते हैं, पार्शली क्लोज है, फुली क्लोज है, ओपन है बिल्डिंग, तो वो सब कुछ ऐड करेंगे। कौन से वाली साइड में, विंडवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग एनालाइज कराते हैं, तो वो सब कुछ मैं आपको ऐड करना बताऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसके ऊपर यहाँ पे जिस तरीके से मैंने बताया है, तब तक आप अपना डेटा जो है अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैलकुलेट करके रखिएगा, मैं यहाँ पे ऐड करना आपको बताऊंगी इन प्रैक्टिकल वे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।